जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। बस हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी। तो जानबूझकर कलश गिराई ना, तुम सारी बर्बादी की जड़ फिर से बिगाड़ने आई हो सब। ये बहू बनेगी हमारी? अरे माँ ठीक है ना, शांत हो जाओ, पीछे पड़ गए हो आपको, गलती से लग गया होगा। जब से आई है बेचारे पे सब टूट पड़े, पता नहीं शायद आपके कोई कान ही भर रहा हो। इसके खिलाफ पता है पुष्पा के हस्बैंड ने क्या किया? उसकी सौतेल लेकर आया घर पे, और वो पुष्पा भी पागल रो रही थी। रोने की क्या जरूरत है यार, आई डोंट अंडरस्टैंड कि लड़कियां रोती क्यों हैं। जो भी मर्द ऐसा करता है ना, उनकी तो आंखें फोड़ देनी चाहिए, जिससे एक बीवी के रहते हुए दूसरी औरत की तरफ देखेंगे ही नहीं। अपराजिता और उसकी बेटियों को तो घर से जाना है। दी आप भी कमाल करते हो। दी 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 यहाँ पे बैठो। दिशा, हमसे गलती हो गई। मोहिनी आंटी हम सबको घर से निकालना चाहती है, हमारे घर से। पंडित जी, हम आप सब से कल मिलते हैं, अगर आज आप सब। जय माता दी। अगर आप भी हमारे परिवार को आज अकेला छोड़ दें तो। अरे एक मिनट, ये मोहिनी की दोस्त है सारी, तुम्हारी नहीं है ना, तो तुम किस हक से कह रहे हो उनको जाने के लिए? मेहमानों को खुशियों में शरीक करते हैं, झगड़े और साजिश में नहीं। आप लोग प्लीज चलिए। अरे लिसन, वेट, ये सब हमारी गलती है। हमें पापा को यहाँ आने नहीं देना चाहिए था। पापा यहाँ नहीं आते ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। I'm sorry, देशा। ऐसा क्या मांग लिया है मैंने कि आप दे नहीं सकती? हाँ, तुम हमसे हमारा वजूद मांग रही हो। अच्छा, तो आपका वजूद इतना कमजोर है कि एक पूजा ना करने पे कलश की तरह डगमगा के गिर जाता है। तुम्हारे लिए एक कलश की स्थापना एक ख्वाहिश, एक मर्जी के सिद्ध होगी, लेकिन हमारे लिए परंपरा है, हमारे अम्मा और बाऊजी की श्रद्धा है, उनका विश्वास है। उन्होंने ये विश्वास हमारे हाथों में सौंपा था 22 साल पहले। यह हमारा हक है और हम अपना हक ना छोड़कर कभी भागे हैं ना कभी भागेंगे। कब्जा का होना अब क्यों कह रही हो? हक अर्जित किया जाता है, छीना नहीं जाता। काश तुम्हें यह पता होता। हम 22 सालों से इस मूर्ति और कलश की स्थापना कर रहे हैं और सिंह परिवार की बहू होने के नाते आगे भी हम ही करेंगे, आगे भी हम ही करेंगे, आगे भी हम ही करेंगे।
हो कौन तुम? नहीं, वजूद क्या है तुम्हारा? इस घर की मालकिन, सिंह परिवार की बहू, मेरी पत्नी? गलत नींव रखी है तुमने। तुम सिंह परिवार की बहू हो ही नहीं, फिर ये सब हक मत जताओ। जब से आया हूं ना, तब से देख रहा हूं तुम्हारा ड्रामा। जब से मोहिनी आई है, तब से ये भी देख रहा हूं कि लगातार मोहिनी की तोहिन करने की कोशिश कर रही हो तुम। क्यों, क्या लगा रखा ही? हमारी की हुई गलती के पुतले, ऐसी बात नहीं कर सकता तू हमारी बहू से। कौन सी आपकी बहू अम्मा? ये तो बहू है ही नहीं आपकी, ये है आपकी बहू मोहिनी। आपकी बहू है पिछले 15 सालों से, अब तो समझ जाइए आप। इसे मैंने कभी अपनी पत्नी माना ही नहीं है। मेरी पत्नी ये है, फर्क नहीं दिख रहा है आपको इन दोनों में? क्योंकि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है फर्क। तुम्हें याद है 15 साल पहले तुमने मुझसे पूछा था, ऐसा क्या है उस औरत में कि तुम उसके लिए मुझे छोड़कर जा रहे हो? जवाब दूं मैं उसका? कोशिश करूं? मैं दे ही नहीं सकता हूं जवाब। जानते हो क्यों? उस सवाल का जवाब आज भी नहीं है मेरे पास। तुलना के लायक ही नहीं हो तुम अपराजिता। तुम्हें भी दिख रहा होगा ना अम्मा, ये है आपकी बहू। पता है दी, घर पे ना रामायण के टाइम महाभारत चल रही है। दिशा, दिशा, प्लीज प्लीज पापा को कुछ मत बोलना। हमें लगता है ना कि सब कुछ आंटी ने ही किया होगा। प्लीज। कुछ नहीं हो तुम, मेरे लिए कुछ नहीं हो। ना तो मेरी पत्नी हो, ना ही इस घर की बहू हो, तो अधिकार मत जमाना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।